हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं अपने ब्लूटूथ स्पीकर को अपने फ़ोन से कैसे पेयर कर सकते हैं, यानी कि कनेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये इन्फिनिक्स का फ़ोन है और आपको सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है। तो क्लिक कर लेंगे। सेटिंग पर क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं मोर कनेक्टिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, ब्लूटूथ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इसको पेयर करने के लिए, ब्लूटूथ स्पीकर को पेयर करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपका ब्लूटूथ ऑन है तो ऑन ही रहने देंगे, अगर ऑफ है तो ऑन कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपका JBL का ब्लूटूथ स्पीकर जो है शो हो जाएगा। आप इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपका ये पेयर हो जाएगा। ये देखिए पेयर हो चुका है। तो इस तरीके से अपने ब्लूटूथ स्पीकर को पेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।